नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मेरे पास ये टीवी आया है, सोनी का ब्रावो 40 इंची स्मार्ट टीवी है। ये इसमें फॉल्ट ये बन रहा है, पिक्चर तो आ रही है इसमें पर क्लियर नहीं आ रहा है। नीचे देखिए आप, ब्लैक आ रहा है, ये वाइट आ रहा है, इसमें ब्राइटनेस क्लियर नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है, तो देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये यूएसबी मोड पर डालते हैं इसको। ये तो सेटेलाइट हो गया, ये आ गया ऊपर, ये है ओके। ये कहाँ पर इसका, ये है स्मार्ट टीवी। ये देखिए स्मार्ट टीवी का सिंबल्स आ गया इसमें, ये आ गया वाईफाई का सिंबल्स इसमें, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ आपको, देखिए इसमें जो पिक्चर आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इतना हिस्सा ब्लैक में आ रहा है, इतना ये व्हाइट में आ रहा है, इस तरीके से कलर क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो फॉल्ट तो इसका स्ट्रिप का दिख रहा है, एलईडी स्ट्रिप का, देखते हैं क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ एक व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। तो इसको खोल के देखते हैं, आज वाईफाई के बारे में भी बताएंगे कि क्या मेथड है इसकी, देख के आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका स्टैंड खोलते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके नट खोलते हैं, मॉडल नंबर, मॉडल नंबर है KLV40R482B। इसके लिए ऑडियो दिए हैं, यहाँ पे वीडियो दिए है, 19.5 वोल्ट पर काम करती है, 5 वोल्ट पर काम करती है ये, ठीक। इसको खोलने का तरीका क्या है, देखिए इसका ये बैक कवर खोला, देखिए ये जो है मदरबोर्ड है इसका, ये इसमें ये प्रोसेसर लगा है, मीडिया टेक का प्रोसेसर है इसमें, ये मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ मैं ये देखिए एक यूएसबी पोर्ट है और दो एचडीएमआई पोर्ट है, ये अपने ऑडियो वीडियो के लिए है, ये ट्यूनर है, ये ऑडियो के लिए है, ये जो है अपना सप्लाई के लिए है। यहाँ का ये जो सेक्शन है ये वाईफाई के लिए है, इसको अभी बताते हैं। और ये जो बोर्ड जो है, मदरबोर्ड जो है, ये आपके 32 इंची, 40 इंची और 48 इंची पर भी काम करेगा ये, यानी इन तीनों ही सेट पे ये मदरबोर्ड ही लग के आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लग जाएगा। आइए अब इसके बाद आते हैं, ये वाईफाई को बताते हैं आपको, ये वाईफाई खोलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है, कैसा है। देखिए ये वाईफाई, ये स्टेप लगी हुई इसमें, स्टेप निकाल देते हैं, ये है पूरा वाईफाई, ये जो है वाईफाई है, ये वाईफाई है। देखिए इसमें ये, इसमें देखिए ये एक नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, बाकी 2 नंबर और 3 नंबर ये डाटा के लिए है,
और ये चौथे नंबर की जो पेन है ये सप्लाई पेन है इसकी, ठीक है। ये है पूरा वाईफाई सिस्टम इसका, ये आपको खोल के दिखा दिया। ये अभी इसको अलग कर देते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए यहाँ पर, ये पहले भी बैकलाइट प्रॉब्लम हुई है इसमें, सिक्स टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट आया होगा इसमें। देखिए ये शॉर्ट किया हुआ है और ये बैकलाइट का फॉल्ट दूर किया है। अब आगे देखते हैं, इसको पैनल खोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रिप ख़राब है मेरे को लग रहा है, क्योंकि सही ढंग से फोकस नहीं हो रही पिक्चर, ब्राइटनेस नहीं बढ़ पा रही, इसलिए समझ में आ रहा है। इसको खोलते हैं, देखिए कभी भी ये फ्रेम निकालो तो बहुत संभल के लॉक इसके आराम से खोलें, ये सबसे कठिन है इसमें। सबसे बड़ी बात ये टूटने का डर ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पे भी ये लॉक करके रखा हुआ हमने यहाँ से, और एक यहाँ पर ये लॉक करके रखा है कि पैनल गिरे नहीं। यदि आप इसका मास्क निकाल देते हैं तब भी ये गिरे नहीं। इसके लिए सेफ्टी के लिए इन्होंने ये लॉक लगा के रखे हैं। अब ये लॉक खोलना पड़ेंगे तब ये निकलेगा पूरा बाहर। अब इसको खोलते हैं, लॉक को, लॉक कैसे खोलते हैं इसके, देखिए यहाँ लगे हुए हैं ये, पहले ये हिस्सा खुलेगा फिर ये निकलेगा, ये लॉक निकलेंगे। ये देखिए ये बीच में, देखिए ये लॉक है, ये जाके यहाँ पर फंस जाते हैं इससे कि बाहर ना निकले। इसको ऐसा डालते हैं और बैठ जाता है, ये लॉक फंस जाता है फिर निकलता नहीं। इसको ऊपर से पुश करके इसको बाहर निकाला जाता है इस तरीके से। ये दोनों लॉक इसके मैंने निकाल दिए हैं, ये दो लॉक हुए इसके ये निकाल दिए। अब आगे से इसको ये भी निकालना है, फिर इसके बाद खोल दें। देखिए पैनल खोलने के लिए सबसे पहले इसको भी निकालना पड़ेगा, इसके ये सभी खोलना पड़ेगा पूरा सिस्टम। ये देखिए पूरा खोलना पड़ रहा है इसको, तो इसके बाद ये पत्ती भी निकालना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कपल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पर स्ट्रिप जुड़ी हुई है, तो ये सब पूरा खोलना पड़ेगा इसको। ये नट भी खोलना पड़ेगा जब ये निकलेगा, इतना संभाल के खोलना है, पैनल को ध्यान में रखते हुए खोलना है इसको। कोई भी काम करें बहुत सावधानी से करें, आराम से करें, क्योंकि ये बहुत कीमती है ये। बाकी सब ठीक है, सबसे कीमती यही चीज़ें हैं, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कैसे खोलना है इसको। बल्कि आगे के मैंने जो लाख दो निकाले वो खोलने ही नहीं थे, अभी मैंने खोल दिए, मैं खोलना नहीं, आप लोग नहीं खोलना उसको, पहले ये हिस्सा खोल लेना पीछे का, उसके बाद खोलेंगे आप इसको, ठीक है। पकड़े, हाँ देखो ये आराम से इसको खोलो, ये नट खुलना है, ये देखिए ये प्लास्टिक की लॉक लगी हुई है, पैनल खोलते हुए इसको निकालना है। एक ही लगा है, एक ही लगा है, ठीक है। ये ऐसे छह लॉक हैं इसके, ये निकाल दिए। इसके बाद पेपर ऊपर भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस साइड, ये भी लगे हुए हैं देखिए। यानी याद रखना यहाँ का जो है ये ब्लू कलर के लगे हुए हैं लॉक, ये जो है यहाँ पे ग्रे कलर के हैं, एक ये है, एक ये है वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद ये पेपर जो है इसके ये
पेपर निकाल लेंगे। ये देखिए बैकलाइट टेस्टर से ये चेक करते हैं। ये देखिए स्ट्रेप सही है, ये वाली स्ट्रेप ये भी सही है, ये स्ट्रेप सही है इसकी, ये स्ट्रेप सही है, ये भी सही है। इस तरीके से पूरी स्ट्रेप चेक करना पड़ेगी आपको। ये भी सही है इसकी। इसके बाद ये भी सही है, ये सही है, ये खराब है एक स्ट्रेप, दूसरी ये स्ट्रेप खराब है। इसमें चेक करना पड़ेगा क्या खराबी है, या तो पूरा स्ट्रेप नया लगाएं या जो एलईडी खराब है उसकी वो बदल दें। इसमें तो चेक करते हैं, इसमें इस तरीके से इसको चेक करना है। ये नहीं बता रहा, इसमें से कोई एक एलईडी खराब है इसमें, ये बताएं मेरा। देखिए ये स्ट्रेप पुरानी वाली है जो इसमें ख़राब निकली हुई है। ये देखिए इसमें ये सैमसंग की लिखी हुई है, ये सैमसंग का है। ये मैं ये दूसरी वाली स्ट्रेप लगा रहा हूँ, ये भी देखिए सैमसंग की है, ठीक है इसमें लगाएंगे। अच्छा ये भी खास देखने वाली बात ये है, देखिए ये माइनस जहाँ पर है इसके भी माइनस वहीं होनी चाहिए, प्लस है वहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ये जो टेप लगा हुआ है इसका टेप निकालना पड़ेगा, इसमें जो टेप लगा रहता है नीचे ये टेप निकालना पड़ेगा तभी ये बैठ पाएगी, नहीं तो बैठ नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर लॉक लगती है ना इन दो जगह पे। तो इसको लगाएंगे, ये इस तरीके से लगेगा, ये यहाँ पर देखिए ये बैठ गया, ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये इसमें लॉक हो गया, ठीक है ये हो गया इसका। दूसरा अब ये बचा, इसकी भी टेप निकाल देंगे पीछे से, इसको भी साइड से फंसा देंगे इसमें। ये देखो ये फंस गया, ये बैठ गया इसमें। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। जब तक ये यहाँ नहीं बैठेगा तो नहीं बैठ पाएगा। ये यहाँ दूसरा देखिए ये स्टेप लगा दी मैंने, अब इसको चालू करके बताती हूँ आपको। ये ग्रीन हुआ, ये रेड, देखिए ये इसकी सभी स्ट्रेप चालू हो गई हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सिक्स टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट किस तरीके से मिलता है, कई प्रकार से ये फॉल्ट आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेप ओपन हो जाए, कभी कभी जो सॉकेट में लगते हैं वो स्ट्रेप काम करना बंद कर दे, ढीली होती है, तब भी सिक्स टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट होता है। और इस फॉल्ट को किस तरीके से कई प्रकार से दूर किए जाते हैं, जैसे कि आईसी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है तो ऊपर जंपर से शॉर्ट किया जाता है, एक वो होता है। दूसरा होता है इसमें एक आईसी की पिन होती है 31 नंबर पिन, जिसको प्रोटेक्शन पिन बोलते हैं, सीपी पिन। यदि इस सीपी पिन से एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड किया जाता है तो उससे भी ये फॉल्ट दूर किया जा सकता है, या फिर इस आईसी को रिमूव करके इसकी जगह पे दूसरा ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर लगाया जा सकता है। तो किस तरीके से लगाते हैं मैं बारी बारी से आपको इन सब की जानकारी इसके अगले जो चैप्टर होगा उसमें दूंगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।